वेलकम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जो आज का लेक्चर है, ये मैं बैग बनाने लगी हूँ। वर्टिकल डिज़ाइन जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये मैंने पेज ले लिया और कलर भी ले लिया, और साथ में मैंने ये जो मटेरियल वगैरह रख दिया है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी सेंट्रलाइज कर लेते हैं। सी किया, ये सेंटर में लाइन लगा दी, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होता है, इसमें हम ज्योमेट्रिकल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लावर के अलावा कोई राउंड राउंड चीज़ है, डायमंड शेप में, ओवल में, और लाइनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में आ जाती हैं। न्यू लेयर ली हमने, ये ऐसे लेयर ले ली, ठीक है। अब इसमें हम कलर करते हैं ब्लैक, हो गया। ये चीज इधर, आ गई है लेयर। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम बंद कर देते हैं ताकि आसानी से हो जाए। ये देखें, बाद में इसकी सेटिंग कर लेते हैं। पहले ये हमने एक लाइन लगाई है पेन टूल से, ठीक है। इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं। लाइन इधर उसी की कॉपी लेके हमने थोड़ा सा ऐसे ना ये नीचे लेयर कर दी, ठीक हो गया। अब इधर से स्टार्ट करते हैं हम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि ये देखे, हो गया। ये जो लेयर बंद कर दी, ठीक है। अब न्यू लेयर लेके जो वर्किंग करनी है हमने न्यू लेयर में करनी है, अदरवाइज ये सारी फाइल जो आपस में मर्ज हो जाएगी। ये देखिए, इधर से कलर लिया, ये ज़्यादा डार्क है तो इसे लाइट कर लेते हैं। देखिए ऐसे कंट्रोल के साथ कलर, आठ बैक स्पेस, ये हो गया। अब ये देखें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कितने जल्दी बनता है। लाइन लगाई, लाइन में कलर ज़रा डार्क कर लेते हैं। कर दिया, इसको उठा के इधर रखा, ठीक है। एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक हो गई। अब क्या करें, न्यू लेयर लेके ये देखें इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखे ट्रायंगल शेप बना ली। कंट्रोल एंटर किया और इसके बाद इसमें कलर लाइट सा
इधर से देखें, ले लिया कलर। ठीक हो गया। इसको ये देखिए हो गया। अब जो इधर से लाइनें नज़र आ रही है ना, वो हमने कर देनी है डिलीट एक्स्ट्रा। ये देखें, ये नज़र आ रही हो गई डिलीट। अब ये देखें, इधर से ऐसे किया और ये लेयर की हमने ओपन, और ये देखिए ऐसे किया। ठीक हो गया। और कंट्रोल जे किया और ये वाली लेयर बंद कर दी, क्योंकि ये जो ग्रेडिएंट वाले दोबारा से लेके आती हैं। ये इधर से चीज़ हमने कर ली और ये वाली लेयर हमने की बंद। ये आगे हमारे ग्रेडिएंट वाले। अब इधर हम ग्रेडिएंट लाइट से दे लेते हैं। ये देखें, कर दिया। अब जो इधर चीज़ है ना लेयर, ये देखें, ये डिलीट हो गया। अब ये एरिया हमारा हो गया। ठीक है, अब इधर से हम लाइनें लगाने स्टार्ट करते हैं। इसी की शेड लाइट ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी वैसे ही कलर दे दिया। ये दो कंट्रास्ट में हो गया। अब ये फ्लावर लेके आते हैं इधर रखने के लिए। ये देखें, एक दफ़ा मटेरियल सारा रख लेना तो फिर आसानी हो जाती। साइज थोड़ा सा छोटा, ये हो गया इधर। लेयर को करना हमने थोड़ा सा नीचे। ठीक हो गया। हो सके तो इसकी एक और कॉपी लेके इसे और कर लेते हैं, ताकि ऐसे। ठीक हो गया। ये भी अब डिज़ाइन की समझ आना स्टार्ट हो गई है। इस लेयर को भी करना है नीचे, ताकि इस लाइन वाली लेयर के थोड़ा सा ऊपर। ये देखें, ऐसे हो गया। इधर लेके आना है इसे। ठीक हो गया।
ड्राइंग की कॉपी लेते हैं। ठीक हो गया, ये लाइन इधर एक रखी, नेक्स्ट थोड़ा सा साथ एक और लाइन लगा दे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो कलर ना इसी के साथ ये देखें, ये वाले कलर में लाइन को आगे, अब लाइन को ऊपर नीचे ताके, ये देखें जैसे कि ऐसे लाइन को थोड़ा सा नीचे, लेयर के नीचे एक एक ऊपर के नीचे, ये अब दोनों हो गए। ठीक हो गया, अब ये इधर से भी नजर आए, ये देखें इधर से थोड़ा सा फासला करते जाना है, ये देखें। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो हम आसान तरीका कि लाइन बिल्कुल एक हिसाब से लगे, इधर से इसकी कॉपी ले, कंट्रोल जे किया, ये देखिएगा अब जिस हिसाब से हमने लाइनें लगानी है ना, ये सारी इक्वल लाइन लगेगी। इंटर किया, कंट्रोल शिफ्ट आर टी टी, अब ये देखे ये साथ उधर जाते जाना है, लेकिन हमें इतनी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतनी चाहिए लाइन। ठीक हो गया, अब इसको और इसको मैंने कर दिया मर्ज लाइन को। ये देखें कंट्रोल जे करके, ऐसे ठीक है, ये हो गया। अब इसी की कॉपी एक और उठा के इधर भी रखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर, ये लाइन साथ और इसको इधर, ये देखें अब ठीक हो गया एंगल सारा। ठीक है, अब ये दोनों लेयर ये वाले ये वाले ये वाले सारी मर्ज की, इसे उठाया साथ वाली लेयर, अब ये क्या है, दो लेयर है, कंट्रोल और फ्लिपिंग किया, इसकी एक कॉपी हमने उठा के इधर रख दी। ठीक हो गया, ये देखें, और इसी की भी कॉपी एक हमने इधर रख दी। ठीक हो गया, और ये वाली जो लाइन है इसी की एक कॉपी उठाई और इधर, ठीक, और इसको मज़ीद ये देखिए ऐसे, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फ्लावर को ताकि नज़र भी आए, मोस्टली ब्रांड के जो डिज़ाइन होते हैं उसमें फ्लावर का साइज़ बड़ा होता है, और ये ज्योमेट्रिकल में सिर्फ एक फ्लावर, बाकी चीज़ें सारी ज्योमेट्रिकल में होती हैं, यानी कि लाइनिंग वगैरह में इस तरह की। ठीक हो गया, और ये मैंने लास्ट ये देखें, ये ख़त्म करें लाइन, और ये मैंने ना अपना कोई भी जो डिज़ाइन बिल्ला बनाया ना उसका जो जेब बैग है,
अगर तो टेक्सचर लगाना ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो जो डिज़ाइन है उसका जेपैक बना है ना, ये जेपैक का डिज़ाइन का मैंने पेस्टी इसकी इधर से फिल इसकी कम की है और लुमिनेस कर दिया, ठीक है, तो ये नज़र आना स्टार्ट हो गया। तो कैसा लगा आज का हमारा लेक्चर, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह।